यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो भाई लोग कैसे हैं यार आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में भाई हम बहुत ही ज्यादा मजे करने वाले हैं, बिकॉज आज है हमारे साथ ऑडी की तरफ से। बेसिकली ये कोई हमने गाड़ी खरीदी नहीं है, ठीक है, ये ऑडी ने भेजी है हमें। अभी उनका लेटेस्ट मॉडल आया, उन्होंने कहा ये ऑफ रोडिंग बहुत ही अच्छी करती है, तो आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। यही पहाड़ के ऊपर अपना टेस्ट करेंगे भाई इस गाड़ी को, ठीक है। और ये देखो, ये है KU 820 ऑडी का लेटेस्ट मॉडल आया, SUV वेरिएंट वाला, ठीक है। चलो मैं आपको इसको पूरी गाड़ी को खोल के दिखाता हूँ, आई मीन कैसी है, ठीक है। चलो तो व्हीकल ऑप्शंस, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एंड उसको दिखाने से पहले ज़रा रुक जाइए, ठीक है। तो मैं ज़रा अपनी ग्लासेस वगैरह हटा लूँ आँखों पे से, क्योंकि आँखों में ऐसे दिखता नहीं है ना। चलो बढ़िया, तो यह है V8 इंजन, V6 TDI इंजन, ठीक है। तो ये टर्बो 6 सीरीज़ का इंजन है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं इधर से दिखाऊँ तो इंटीरियर देख लो भाई, फुल टू ऑटोमेटिक है। इधर से देख लो, फुल ऑटोमेटिक, रेयर एसी वेंट्स हैं। ये बूट स्पेस है, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों इस कार के अंदर, ठीक है। तो चलो हम गाड़ी में बैठते हैं। एंड सबसे पहले मुझे सब कुछ क्लोज करना होगा, बढ़िया। अब बैठो दोबारा, बढ़िया। बढ़िया चलते, चलो तो सौ तो एकदम लगती है गाड़ी, आपको पता होगा। और गड्ढों का भी भाई ज़्यादातर, तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ऐसी गाड़ियों में ज़्यादातर तो देखो दोस्तों पता चलता ही नहीं बिल्कुल भी, गड्ढों वड्ढों का ज़रा सा भी कुछ नहीं पता चलता है। हाल फिलहाल अभी तो मैं चला कर ही देख रहा हूँ, अभी तो कोई ज़्यादा भी वो नहीं है कि मैंने बहुत टाइम से इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो पहली बार ही चला रहा हूँ ना, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है ऑडी में। हमारा ऑडी का एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा, पर ये किसने कह दिया हम इधर से जाएंगे इस गाड़ी को लेकर? हम इसकी फुल ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, देख दुख के सोच समझ कर भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, थार जितना भी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है इसका, थार से भी कमी होता है इन कार्स का। तो हाँ, पानी से भी निकाल ली, सही मस्त मज़ा आ गया। बीच के रखते बरसते चलते हैं, ओ माय गॉड मज़ा आ गया, भयंकर दोस्तों हैं एकदम। चलो बढ़िया, ओ भैया गाइस बहुत मज़ा आ रहा है फिलहाल तो गाड़ी को चलाने में। चलो बढ़िया, इधर से चलो, और हमें यहाँ से सीधा बस यहीं से ऊपर से निकाल लेंगे गाड़ी को। अभी ये रास्ते वस्ते तो आ जाते हैं यहाँ से, ओके। खैर कार निकल गई, ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा गाड़ी को, यहाँ से आराम से निकल गई है। जैसे एक बेसिकली होती है ना कि ज़्यादा ही मतलब जोर लग रहा है गाड़ी को निकलने में, और ज़्यादा ही वो फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से। चलो ऑफ रोडिंग करने में बेसिकली ऐसी कार की बहुत मज़ा आता है, और ये तो फिर भी ऑडी है। शिट लग गई, लगती भी बहुत जल्दी है यार ये गाड़ी, क्योंकि इन कार्स का इनको बना तो देते हैं SUV, बट इनका ग्राउंड क्लियरेंस इतना रखते नहीं ये कंपनी वाले ही। अब कोई तो सोचता भी नहीं कि कोई हम अपनी गाड़ी को भाई ऐसे ऐसे रास्तों से भी ऑफ रोडिंग कराएंगे क्या, कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता दोस्तों।
ऐसे ऐसे रास्तों से अपनी गाड़ी को ऑफ रोडिंग कराना भाई, घंटा कोई नहीं सोचता। चल तो मस्त रही है, मजा आ रहा है, बढ़िया। ओह माय गॉड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके इसका रेडिएटर चल गया, ये कुछ ज़्यादा ही हाई एंड लेवल वाली ऑफ रोडिंग है दोस्तों। कब मैं आपको बताऊँ, ये देख रहे हो, ओह माय गॉड। बढ़िया, मज़ा आ गया। तो अब यहाँ से हम चलेंगे ऊपर माउंट श्री यार्ड की ओर, और माउंट श्री यार्ड से हम चढ़ाएंगे इस गाड़ी को ऊपर। चलो चलो चलो, चलो लेट्स गो, वह पहुंचने वाले हैं। चलो बढ़िया। सो गाइस हम सीधे चलते हुए, सही है सही है, बढ़िया एकदम। खैर आरपीएम ज़्यादा ही उठाती है कार कुछ, बट कोई बात नहीं, स्टिल ज़रा बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और ऑफ रोडिंग में इसने, जब इसको आप ऑफ रोडिंग मोड पे डालते हो कार को, तो एवरेज बहुत अच्छा निकालती है, बहुत प्यारा एवरेज निकालती है। अराउंड मेरे को 20 का एवरेज दे रही होगी ऑफ रोडिंग में भी। अगर ऑफ रोडिंग मोड में डालकर ऑफ रोडिंग करोगे तो, अगर विदाउट ऑफ रोडिंग मोड में ऑफ रोडिंग डालकर तुम कर रहे हो ना, फिर ज़्यादा तेल पीती है। ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त है गाड़ी की, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप है, ज़बरदस्त ग्रिप के साथ है दोस्तों कार। हाँ खैर होनी भी चाहिए भाई, इतनी तो देखो होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे भी कम होगी फिर उतना मज़ा आता नहीं यार गाड़ी चलाने में, ठीक है, इतनी ग्रिप तो होनी चाहिए। माइकल दादा पिन चलती है यहाँ पर गाड़ी, ट्रेवर और फ्रैंकलिन तो चलाता था, क्योंकि फ्रैंकलिन यहाँ पर बहुत ही आता रहता है इसलिए उसे आदत हो गई, और ट्रेवर तो यहीं पर बचपन से बड़ा पला बड़ा है तो इसको इसलिए आदत है यहाँ पर कार चलाने की, समझ रहे हो दोस्तों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं बहुत बार। ओ शिट 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 यार, शिट 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 शिट, रुक जा मेरी गाड़ी, रुक 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 रुक, बैक तो कर ही रहा हूँ, बैक हो नहीं रही, पर ये कोशिश तो पूरी जा रही है पर हो नहीं रही है, क्या बात है यार, क्या हो गया। चलो बढ़िया, चलने दो, दोबारा चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बस पहुंच गए। You're never gonna win that little guy. बढ़िया, आगे से हल्की सी थोड़ी बहुत ही लग गई,
पर हाँ ये एक चीज़ तो पता चल गई दोस्तों, ये कार के अंदर पावर बहुत है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही पता चलता है कि कार के अंदर कितनी पावर है, कितना कुछ है। तो बहुत अच्छे से इसने साथ निभाया नीचे तक। तो लिटिल मिस कैलकुलेशन, चलो बढ़िया। ओ माय गॉड, बढ़िया चल रही है एकदम ऊपर को, मजा आ गया। अभी आगे से मोड़नी पड़ेगी। चलो चलो चलो, सीधा ही चलना होगा। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर, मैडम साइड हो जाओ। या आई नो दैट, नहीं हिट कर रहा हूँ भाई, डोंट हिट मी। ओह शिट, देखा ऑडी का हल्का सा ये भी लग गया। तो भाई देखो, जब इतने बड़े पहाड़ पर तुम आते हो ना गाड़ी को लेकर, खैर मुझे पता है कि जो पहाड़ है ना दोस्तों, ये वाला जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर ना ये गाड़ी चलाने के लायक नहीं है। पहाड़ जो है साइकिलिंग करने के, बाइक राइड करने के लायक है। और कार तो वो लोग लाते हैं जिनको भाई बहुत ही खतरनाक टेस्ट करनी होती है अपनी कार को, वो गाड़ियाँ और यहाँ पर चढ़ती भी हैं, ठीक है। वरना तो गाड़ियों की भाई माउंट चिलियार्ड पे ना दोस्तों ऐसी तैसी ही होती है, यहाँ पर गाड़ियों की ऐसी तैसी होती है। और मुझे तो लगता है ना कि ये जो गाड़ियाँ ना दोस्तों बहुत ही अच्छी है, ये ऑडी क्यू 820, और मॉडल भी बहुत अच्छा है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, पावर अच्छी है, और एसी वेसी भी अंदर बहुत अच्छा था, मज़ा आया गाड़ी में बैठकर भी। ये जो हमारे ड्राइवर भैया हैं इनको, तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और अगर लगी है तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड गाइस शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं कराया। तो गाइस मिलता हूँ उससे नेक्स्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।